हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही चटपटी सी नॉनवेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन 65 की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि वीडियो में कई बार मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाती हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो चलिए बनाते हैं चिकन 65। इसके लिए हमें चाहिए दो लाइन करी पत्ता के, आधा नींबू, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, दही आधा कप, अंडा एक, सरसों एक चम्मच, कॉर्नफ्लावर एक टेबलस्पून, खोबरा किस दो टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, जीरा एक चम्मच, मैदा एक टेबलस्पून और आधा चम्मच, और सबसे ज़रूरी आइटम चिकन 250 ग्राम, जिसमें मैं लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। फ्रेंड्स, मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, कॉर्नफ्लावर एक टेबलस्पून, मैदा एक टेबलस्पून, एक अंडा, आधे नींबू का रस निकाल लिया मैंने, वो भी डाल दे रही हूँ, नमक स्वादानुसार, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें आधा चम्मच देगी मिर्च भी मिला रही हूँ, जिससे कि कलर बहुत ही प्यारा आ जाएगा। अब इसको फिर से एक बार मिला लूंगी। इसको तैयार कर दिया है। अब मैं एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ, इसको गरम कर लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तेल भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कम इसलिए ले रही हूँ ताकि आखिरी में ज़्यादा तेल ना बचे। अब इसमें मैं मैरिनेट किए हुए चिकन के टुकड़ों को धीमी आंच पर फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, धीमी आंच इसलिए क्योंकि हमें इसे इसी तरह से पकाना है, इसलिए मैंने टुकड़े भी छोटे छोटे लिए हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब एक ही बार करें फ्रेंड्स, बार बार नहीं करना है। इनको उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
देखिए कलर चेंज हो चुका है, मैं चेक कर रही हूँ, पक चुका है ये। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं दही में थोड़ा सा नमक मिक्स कर रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैदा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। इसको मिक्स करके एक साइड रख देंगे फ्रेंड्स। पूरा चिकन फ्राई हो चुका है। अब इस पैन में लगभग एक टेबलस्पून तेल बचा था जो कि अभी भी गर्म है, तो मैंने एक चम्मच राई डाल दिया इसमें, एक चम्मच जीरा भी डाल दिया है, अब करी पत्ता भी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करके लाल मिर्च भी मैंने डाल दिया टुकड़े करके, हल्का सा मिक्स कर लिया। अब इसमें दही वाला मिक्सचर मिला दिया और कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है फ्रेंड्स। दही पक चुका है तो मैं इसमें चिकन के फ्राइड चिकन भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने सोयाबीन भी मिक्स किया है। मैं चिकन नहीं खाती हूँ इसलिए मैं चिकन की जगह पे मेरे लिए थोड़े से सोयाबीन की वड़ी, जिसे कि लोग न्यूट्रीला के नाम से भी जानते हैं, वो मिक्स कर लिया है। तो मेरे जो फ्रेंड्स चिकन नहीं खाते हैं वो लोग न्यूट्रीला डालकर बना सकते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, सूख चुका है, तो मैंने इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर 2 टेबलस्पून मिला दिया। फ्रेंड्स चिकन तैयार है हमारी चटपटी सी, हमारा स्टार्टर रेडी है। तो हर किसी को पसंद आती है ये, तो आप लोग जरूर ट्राई करें इसे। जल्द ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।